हेलो वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो दोस्तों आपको पता होगा पहले जब हमने सबसे पहले एपिसोड बनाई थी लास्ट एपिसोड में हम लोग गए थे मिलिट्री बेस में और हमने चोरी किया था एक फाइटर जेट यार। लेकिन यार वो जो फाइटर जेट था वो क्रैश हो गया था। लेकिन हाँ हमने चुराया था। तो यार मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप बिना स्टार के जा सकते हैं मिलिट्री बेस के अंदर। तो आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तो मैं आपको बस वो ट्यूटोरियल बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप पूछोगे भाई मैंने वो ट्रिक क्यों नहीं ट्राई की थी। उसके बाद मैंने सोची थी, मतलब उसके बाद मैंने रिसर्च की थी तो मुझे ये पता चला था इस ट्रिक के बारे में। लेकिन यार अगर मुझे पहले पता होती तो जब भी मैं ट्राई नहीं करता उस टाइम तक वो नहीं करता, क्योंकि यार वो एक तरह से चीटिंग हो जाती। लेकिन अगर आपको करना है तो आप तो कर लें, आपकी मर्जी। चलो अभी हम लोग यार गाड़ी लेते हैं यार कोई ढंग की। तो यार मैं आपको बस वो ट्रिक बताता हूँ। उससे पहले मैं आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। और मैं आपको ये बताता हूँ ट्रिक, पहले मैं गाड़ी लेके नहीं भी पहले बता देता हूँ। तो यार सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको चाहिए ट्रैवल। अगर आपका ट्रैवल अनलॉक नहीं हुआ, मतलब आपका ट्रैवल लॉक है, तो फिर आप ये ट्रिक नहीं कर सकते। आपको बस अपना करेक्टर ट्रैवल चेंज करना है और आपके मिशन होने चाहिए अच्छे खासे। मैं आपको बताया था स्ट्रेंजर फ्रिक्स वाला मिशन होने चाहिए आपके। मैं इतनी देर क्यों लगा रही है। चेंज कर लिया है तो फिर यार हम लोग चलो यार मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं अभी मैप पे चले गया, यहाँ पे सेटिंग आती है, नहीं गेम में जा रहे हैं। आपको गेम में जाने के बाद यहाँ पे स्ट्रेंजर रिप्ले स्ट्रेंजर फ्रिक्स मिशन, यहाँ पे आपको टारगेट प्रैक्टिस है ना ये वाले मिशन, इस पर जाना है आपको। अब इस पर चले गया मैं बिफोर रिप्लेइंग मिशन अगेन अगेन के लिए डर रजिस्टर पॉइंट वन थर्टी हंड्रेड रोड। हाँ चलो थोड़ा टाइम लगाएगा, रुक जा। मैं आ चुका हूँ, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसके पीछे नहीं जाना, क्लेटस के पीछे नहीं जाना, हमें इस बग्गी में बैठना है और हमें जाना है मिलिट्री बेस के लिए। मिलिट्री बेस यार करीब है, अभी देखना जैसे ही मैं मिलिट्री बेस के अंदर एंटर करूँगा ना कोई भी हमें कुछ नहीं कहेगा। आप टैंक चलाओ फिर आप टिकट टैंक करो, पुलिस हमें कुछ भी नहीं बोलेगी। बस ट्राई करते हैं, लेकिन मैं पहली बार कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले कोई ये ट्राई नहीं की। जो ट्रैवल के गाँव से मिलिट्री बेस बहुत करीब है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पहुँचने में, क्योंकि ट्रैवल का गांव है। लेकिन अपने घर से थोड़ा दूर है ट्रैवल, और उसका अगर रॉक सेंटर के पास ही है, गाँव के बीच में है, मतलब गाँव में ज़्यादा गर्मी होता है, पता नहीं क्या वाली चूल्हे पर रखा है घर पर। लेकिन हाँ मैं आपको एक और बार बता दूँ, अगर वहाँ पे आप किसी बंदे को आर्मी के बंदे को मारते हो तो आपका मिशन फेल हो जाएगा। उसके बाद आपको आर्मी वाले मारने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मिशन ख़त्म हो जाएगा, मतलब फेल हो जाएगा। उसके बाद तो आपको की पिटाई होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इस बात का ध्यान रखना, किसी को मार मत देना गलती से भी, आपकी जान बूझ के चुपचाप अपना काम करना है जो आपको करना है। कोई भी नहीं है यार यहाँ पे अभी तक तो। इस रोड पर यार ज़्यादातर लोग नहीं जाते क्योंकि मिलिट्री बेस का एरिया है। आगे जाके मतलब सन्नाटा होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मिलिट्री बेस के पास जाना तो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो आप
तोड़ दूंगा, देखो फोन भी मेरे पीछे ही लगा है। जो आते हैं वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये बड़ी अच्छी बात है। तो यार ये पास हो चुका है, अभी यार हम लोग क्या करेंगे, जैकेट लेंगे। देखना मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई भी हमें नहीं पुलिस, मतलब हमारे आर्मी पीछे नहीं रहेगी। मैं आराम से पुलिस मिलिट्री बेस में घूम सकता हूँ। अब मैं आप और आपको अगर मिलिट्री बेस में कुछ घूमना हो, मतलब आपको रिहर्स क्या करना हो, तो आप ही कर सकते हो। बाकी जो आपको करना हो वो आपकी मर्जी। भाई देखो मैं कुछ भी करूँ, लेकिन यार उससे पहले मैं एक चीज़ ट्राई कर लेता हूँ। मैंने देखा था कि यहाँ पे जाके वो जो बड़ा वाला हैंगर है ना, वो खुल जाता है। इधर जाके क्या वो हो जाए, मैं एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ। देखो टैंक भी होगा, कुछ भी नहीं कह रहा। देखो आने वाले लोग कुछ नहीं कह रहे, बस यहाँ पर अंदर जाने से ना रोक ले। चुपके से चलते हैं, मुझे डर लग रहा है फिर भी। चलो मिशन है, कुछ भी नहीं बोलेंगे। कुछ भी नहीं बोला, चलो ये अच्छी बात है। अभी हम लोग जाएंगे ऊपर। सीढ़ियाँ किधर है यार, यहाँ से लिफ्ट चलती है, यहाँ से लिफ्ट चलती है। ऊपर जाना है हमें। यहाँ से सीढ़ियाँ आती हैं, हमें सबसे टॉप फ्लोर पे जाना है। भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, भाई नहीं ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता, मिशन में होता है। मैं भी आ गया फालतू में। भाई यार अब नीचे चलो यार, इसका नीचे। ओ भाई, ओ भाई साहब, हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में। अभी यार हम लोग कार्गो प्लेन को उड़ाएंगे। नहीं यार कार्गो प्लेन थोड़ा मुश्किल है, आप उड़ा के चेक कर लेना। एक मिनट मैं उड़ाऊंगा। अरे ये तो है, चलो यहाँ से चलते हैं। यार ग्राउंड फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर ही है। तब यार हम लोग चलते हैं जेट लेने, देखना हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा ना। फिर हमें मिसाइल पड़ेंगे ना आर्मी पीछे रहेगी।
भी नीचे उतरे तो मैं उसको थोड़ी कर सकता हूँ यार, बट लेकिन ये रिस्की होगा, अगर उसने हमें मारा तो हमारा बहुत बुरा हाल होगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो यार हम लोग कार्गो प्लेन लेते हैं। यार मेरा दिल चाह रहा है कि हम लोग टैंक ले लें, बट यार अगर आर्मी पीछे लग गई तो मैं एक मिनट थोड़ा यार कार्गो प्लेन लेके चलते हैं यार मेरा फ्लोर में। तेरे मुझे क्या देख रहा है बेटा, आर्मी हमें कुछ भी नहीं बोलेगी भाई साहब, जिसको हम लोग नहीं उड़ा सकते थे आज तक वो हम उड़ा पा रहे हैं। यार आप ऐसा मत सोचना कि मैंने कोई मोड़ लगाया हुआ है, आपने मैंने कुछ चीज़ किया है, ये बिल्कुल रियल है, चाहो तो आप ट्राई भी कर लो इसको। मैं रनवे पे जा रहा हूँ यार, रनवे पे जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बीच में आई है उन्होंने पता नहीं क्या रखा हुआ, उसमें वेपन्स वगैरह शायद क्या रखते वेपन खुले आम में तो कोई लगेगा नहीं। ओए रुक 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 रुक, क्रैश क्रैश क्रैश, तो चलो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।